जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ था कि आपका जो है जेएससी सचिवालय का एग्जाम जो है एकदम से निर्धारित तिथि पर होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपका एकदम से यहाँ पर निर्धारित तिथि में ही आपका जो है जेएससी सचिवालय का एग्जाम होना है। यानी जो आपका रखा गया है 16 और 17 दिसंबर को जो आपका एग्जाम कंडक्ट होनी जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। आपका सचिवालय का एग्जाम जो है 16 और 17 जो है दिसंबर को ही होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय एग्जाम सेंटर को लेकर यहाँ पर जो है सेंटर अलॉट किए जा रहे हैं और उसी का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके समक्ष में लेके प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे रांची में जो है सचिवालय एग्जाम को लेकर यहाँ पर जो है आपको सेंटर यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे कि विषय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण के संबंध में, तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र का निर्धारण का डेट जो है यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे परीक्षा केंद्र अलॉट किए जा रहे हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे जो है आपको यहाँ परीक्षा केंद्र कितने सेंटर में देखने को मिलेंगे और इसमें जो है स्टूडेंट की कैपेसिटी कितने रहने वाली है। इसी तरीके से आपका जो है तमाम जिलों में जो है जैसे कि आपका धनबाद हो गया, आपका हजारीबाग हो गया, इन सभी जिलों में जो है आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं 9/10/2023 का ये जो है नोटिफिकेशन है। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे, देख सकते हैं कि झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में आयोजन होना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लेटर यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है। देख सकते हैं आप, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा आगामी आयोजित की जाने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की 3 पालियों में 6/12/2023 और 7/12/2023 को निर्धारित है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को, तो ये 3-3 पालियों में आपका जो है एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने जा रही है। आप समझ लेते हैं कि यहाँ एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आपका रांची में पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सेंटर डिटेल, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटर डिटेल यहाँ पे गिवन है आपका कुछ इस प्रकार है। यहाँ वेन्यू नेम है BIT, है ना, जेटा लोटू, और ये एड्रेस है BIT मोर देवी दर्शन मंदिर रोड बिहाइंड VSL ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है 1500 रखा गया है। इसी तरीके से जो है ब्रिज फोर्ट स्कूल, इसमें भी आपका सेंटर रहने वाला है और ये आपका एड्रेस है कुछ इस प्रकार, टपूदना हटिया ब्लॉक ए, और इसमें 360 जो है आपका यहाँ पे कैपेसिटी है स्टूडेंट की। तो इस तरह तमाम स्कूल यहाँ पे आपको देख सकते हैं वेन्यू में गिवन होगा। इसमें अगर सीरियल नंबर की और मतलब टोटल स्कूल की अगर बात करें तो आप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें टोटल जो है आपका कुछ इस प्रकार, टोटल नंबर ऑफ स्कूल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं एग्जाम सेंटर को लेकर। तो ये आपका जो है टोटल यहाँ पे 212 स्कूलों में जो है वेन्यू जो है एग्जाम कंडक्ट होने जा रही है आपका, और उसमें टोटल कैपेसिटी जो रांची में होने वाली है सचिवालय एग्जाम को लेकर, तो उसकी कैपेसिटी टोटल बन के निकल के आती है 81,289 जो है आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अपियर हो पाएंगे। रांची में ही सेंटर इतने स्टूडेंट का पढ़ना है और सेंटर टोटल अगर देखा जाए तो 212 स्कूलों में जो है आपका सेंटर कंडक्ट की जा रही है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका एग्जाम जो है अब निर्धारित तिथि को ही होनी है। आप कोई इफ एंड बट में मत रहिएगा, प्रिपरेशन पे बने रहिएगा और जान लगा दीजिए। इस बार ये छूटना नहीं चाहिए और एनी हाउ ये एग्ज़ाम हो जानी है। रिजल्ट भी बहुत इंस्टेंट वर्क होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट ईयर को जो है अपकमिंग ईयर को जो है आपका इलेक्शन होना है, तो किसी प्रकार की कोई डिले नहीं होगी। गवर्नमेंट चाहेगी कि ये सब वैकेंसी क्लियर करें और जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं करती है गवर्नमेंट के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए ये सारे बहुत ही इंस्टेंट टाइम में जो है आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। तो आप जो है आप कमर कस के एकदम से जान लगा के तैयारी करें। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों जो जेएससी सचिवालय एग्जाम सेंटर से रिलेटेड थी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।